हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो भाई आज बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है, वो भी ड्रैग की आई है डायरेक्ट। मुझे पता है यार, आप बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया कहाँ गया, वो इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रहे। तो आज फाइनली वीडियो ले आए भाई। होंडा सिटी वर्सेज एन लाइन i20 मैनुअल है, ये भी मैनुअल है भाई। ये 1.5 एन इंजन है पर ये ट्यून्ड है स्टेज वन, जिसके बाद ये बनाती है 130 की हॉर्स पावर और 160 का टॉर्क। और वहीं ये स्टॉक गाड़ी है, 3 सिलेंडर है भाई और 1 लीटर टर्बो का इंजन है जो कि सबको पता है। तो भाई इसकी हॉर्स पावर है 120 और टॉर्क है 170। तो पावर में ऑलमोस्ट दोनों सेम है, वेट में ये हल्की है कि इसका वेट ज़्यादा होंडा सिटी का, पर ये ट्यून्ड है तो ट्यून्ड होने का फ़ायदा होगा। एरोडायनेमिक दोनों के ऑलमोस्ट ज़बरदस्त है भाई, दोनों को फ़ायदा रहने वाला है एरोडायनेमिक्स का, पर ये थोड़ी सी भारी है और ये हल्की है तो उस चीज़ का नुकसान हो सकता है। बाकी ट्यून होने के बाद बहुत ज़बरदस्त भागती है होंडा सिटी, आपने पहले की ट्रैक्स में देखा ही है। और बाकी एन लाइन की तो भाई बात ही क्या है भाई, हैचबैक में ज़बरदस्त गाड़ी है, सबको पता है। तो भाई बिना देरी के करते हैं इन दोनों की ड्रैग स्टार्ट और देखते हैं क्या रहता है कमाल आज की ड्रैग, बने रहना। गाइस आगे राउंड वन के लिए होंडा सिटी में तुषार भाई के साथ, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया जी। तो क्या रख रहे हैं फिर? एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, बाकी कोई मोड नहीं आता। एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ है, मोड आता नहीं भाई, क्या रख रहे हो? डिसेबल्ड, एसी ऑफ, कोई मोड है नहीं, मैनुअल है। ठीक है, इधर भी एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, मोड इसमें भी नहीं। दोनों गाड़ी मैक्सिमम पोटेंशियल, दोनों मैनुअल करवा दो या हम करवा दे? मैं कर देता हूँ, देगा मैं कर देता हूँ मैं। चलो 3, 2, 1। और भाई सिटी बहुत बढ़िया उड़ गई यार, इतना व्हील स्पिन के बाद भी। अरे गियर अटक गया था यार, गियर ना अटकता ना तो थी आगे यार, पर ज्यादा गैप नहीं बनाने दे रही। ओ, ओ, ये क्या हो गया, ब्रेक क्यों ले ली? कितनी हो गई थी स्पीड? 125 ही हुई थी। गियर अटक गया था। हाँ दोबारा कर रहे हैं, फर्स्ट गियर अटक गया था, दोबारा करते हैं। चलो 3, 2, 1। ओ भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, निकल गई, निकल गई भाई सिटी। एन लाइन पीछे बनी हुई है, इक्की तक बनी हुई है भाई, बढ़िया बढ़िया सिटी निकल गई यार, एन लाइन रह गई। मीटर दिखा दो भैया, ब्रेक ले लो, ले लो भाई, 130-135 आ गए। जीत गई भाई सिटी, जीत गई, बहुत बढ़िया। पहला राउंड भाई गियर की वजह से रह गया, वरना तो पहले भी चली जाती बहुत जबरदस्त। अब ये फेयर हो गया ना एकदम। हाँ बट ज्यादा गैप नहीं बना ना, पीछे डिक्की पे बनी हुई थी ये। हाँ, हाँ। कांस्टेंट एकदम। हाँ, हाँ। इस बार तो परफेक्ट रहा ना आपका, भी कोई दिक्कत तो नहीं है गाड़ी में, कोई बॉक डाउन वगैरह कुछ नहीं? चलो दोबारा करते हैं, वैसी परफॉर्म कर रही है, वैसे मेरे को तो ठीक लग रही है। हाँ दोबारा करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल। चलो भाई कर रहे हैं। हाँ चलो करो भाई, सेकंड राउंड 2, 1। चलो भाई सेकंड राउंड कर रहे हैं, 2, 1। इस बार बढ़िया लॉन्च, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। ये लंबी जाती है फर्स्ट ईयर में ना, उससे ज्यादा लंबी जाती है, उसको 40-45 पे चेंज करना पड़ रहा है, अपना लेट चेंज करना पड़ता है ना, वरना इस बार बराबर लॉन्च हुआ है। हाँ लॉन्च एकदम बराबर था, वही कह रहा हूँ ना, ये लंबी चली फर्स्ट ईयर में और उसको गियर जल्दी चेंज करना पड़ा, पर हार गई भाई, एन लाइन हार गई। थोड़ा सा ये बेना भैया, जैसे ये अपना कैटबैक एग्जॉस्ट के साथ चल रही है और इसमें एक स्टेज वन ट्यून भी कर रखा है हमने कोड 6 का, वो बोन स्टॉक गाड़ी है अभी। हाँ। तो थोड़ा सा ये क्या पता, अगर हमारी जब बोन स्टॉक होती तो शायद एन लाइन जीत जाती है, दोनों गाड़ी बराबर रहती है, बराबर रहती है। इस तरह अभी हमारी गाड़ी एक गाड़ी का गैप बना देती है ना एंड तक 400 मीटर तक, तब वो शायद नहीं बना पाती, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो इसको है, वरना भागने में तो यार वो भी बहुत जबरदस्त है यार गाड़ी। सेकंड में लैग मार गई लेकिन गैप वही है, जीतती है जो लॉन्च में लेके जाती है ना, और थोड़ी टॉल गियर है इससे। एक काम करते हैं, दोनों गाड़ियों को एसी ऑन करते हैं, ठीक है, देखते हैं किसको ज्यादा इफेक्ट आएगा एसी पे। चलो अब एसी ऑन करके दोनों गाड़ियों का, ठीक है, एसी ऑन कर लिया भाई, ठीक है, ट्रैक्शन ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है। चलो 3, 2, 1। ओह थोड़ी सी लेफ्ट साइड हो गई थी व्हील स्पिन से, अब तो ज्यादा पीछे रह गई,
उसपे एसी का ज्यादा इफेक्ट है भाई। पहले वो फिर भी टिक्की तक बनी हुई थी, अब तो पीछे हो गई, अब ज्यादा पीछे हो गई भाई, 120 आ चुकी है। बस ब्रेक ले लिया भाई हमने, यार पूछ लेंगे भाई से क्या तो पता, शायद लॉन्च में दिक्कत ना रहे। पूरी गाड़ी बैठ गई, उठी ही नहीं। अरे थ्री सिलेंडर है ना यार, कुछ वेट का फर्क है क्या? एसी थ्री सिलेंडर है ना, इसीलिए बैठ गई भाई थ्री, एसी ऑन होते ही। अब क्या करूं, अब एडवांटेज दूं कि मैं एसी ऑन और आपका एसी ऑफ? वैसे यही रहेगी, बिना तो एक राउंड करना कर लेते हैं फिर उसके रोलिंग निपटा देंगे। आ जाओ घुमा लो, हमारा एसी ऑन ही है, ट्रैक्शन ऑफ रहेगा बट, और आपका भी एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है? ट्रैक्शन ऑफ रखना, ट्रैक्शन तो दोनों का ऑफ है, एसी ऑन कर दिया हमने खाली। एडवांटेज दे रहे भाई उसको, हमारा एसी ऑन है। चलो भाई अब देखते हैं एसी ऑफ में क्या कमाल दिखाती हो। बराबर बराबर चल रही है भाई, निकल गई निकल गई निकल गई, इसका एसी ऑन और उसका ऑफ में भाई बढ़िया निकल गई एयरलाइन। पर फिर भी ज्यादा गैप नहीं, कितना गैप है, जितना एयरलाइन हमारे से रह रही है ना पीछे, अब हम सेम उतने गैप पे आ गए, उतने गैप पे आ गए एडवांटेज पे। एसी ऑन का उसपे बहुत इफेक्ट है ना, थ्री सिलेंडर है इसलिए, और एसी ऑफ उसका होके और इसका ऑन होके वो निकल गई बढ़िया, उसको फिर नहीं, प्रेशर नहीं बढ़ा है ना, क्योंकि जब हमने दोनों को भी मैक्सिमम पे करा, दोनों के एसी ऑफ पे, तो जितने गैप पे हम रहते थे अब उतना गैप पीछे हो गए, तो इसने भी दबाया है। ये तो दब गई ना उसके उसके मुकाबले, गर्मी से परफॉर्मेंस नहीं दबती, एन गाड़ी की भी एसी से दबती है, एसी से बल्कि टर्बो ज्यादा दबती है, बस वो थ्री सिलेंडर है वो अलग बात है, बट एन गाड़ियां एसी में ज्यादा दबती है कम्पेयर टू टर्बो चार्ज इंजन। रोलिंग कर लेते हैं इस बार, आपकी जिंदगी भाई एडवांटेज पे, एसी का फर्क पड़ा भाई, एसी का इसमें वेट बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है यार। हाँ अब रोलिंग कर लेते हैं मैक्सिमम पे, फर्स्ट गियर 20 से थोड़ा पीछे ले लो, गियर 20, ट्रैक्शन ऑफ एसी ऑफ दोनों गाड़ी, रोलिंग करने जा रहे हैं फर्स्ट गियर 20 से, एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ दोनों गाड़ियों का, तीनों नंबर दे देंगे। भाई रोलिंग में रह गई पीछे, पर वही कांस्टेंट गैप अब बना रही है गैप, अब ज्यादा पीछे रह गई है ना, अब हो गया ना गैप, पहले से ज्यादा गैप। क्लियर विनर हमारी होंडा सिटी रहती है, होंडा सिटी विनर है भाई, ट्रैक की एडवांटेज के टाइम पे ही सिर्फ जीत पाते, बस एडवांटेज के टाइम पे एनलाइन जीती, ओवरऑल हमारी सिटी विनर। अब कंक्लूड कर लेते हैं, ये थी अपनी कुछ ड्रैग रेस होंडा सिटी वर्सेस एनलाइन, और स्टार्टिंग में जो उम्मीद थी कि भाई शायद एनलाइन जीत जाएगी, पर हुआ बिल्कुल उसका उल्टा, अपनी होंडा सिटी जीत गई। बहुत प्यारा लॉन्च भाई, दोनों गाड़ियां लॉन्च में बहुत परफेक्ट थी, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया, पर ये टॉल गियर होने की वजह से, मतलब जहां सेकंड गियर चेंज करने की बारी आ रही है ना, वहां पर ये गैप बना दे रही है, क्योंकि ना फर्स्ट गियर इसका अराउंड 50 प्लस जा रहा है और उसका 50 से डाउन है, इसीलिए ये बहुत ज़बरदस्त भाग रही है, वरना दोनों गाड़ियां भाई पावर है, आपने देख लिया बहुत मज़ा आया। जब एडवांटेज दी एनलाइन को तब एनलाइन जीती, वरना अपनी होंडा सिटी विनर रही। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।